और अब खबर यूपी में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के मामले को लेकर एसटीएफ ने मामले में दाखिल किया चार्जशीट। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई। सदर समेत चार अहदेदारान के खिलाफ भी ये चार्जशीट दाखिल हुई है। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जांच के दौरान सभी के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया है। एसटीएफ ने चारों को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया था। गैर कानूनी तरीके से जारी करते थे ये सर्टिफिकेट, तो हलाल सर्टिफिकेट जारी करके वसूली करने का इल्जाम इन पर लगा है। केस की जांच आगे भी जारी रहेगी। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर मौलाना हबीब यूसुफ, नायब सदर मौलाना मुदस्सिर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान और ट्रेजरर मोहम्मद अनवर के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। तो हलाल सर्टिफिकेट मामले से जुड़ी इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से चार लोगों के खिलाफ ये जो सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है। एसटीएफ ने मामले में दाखिल की है चार्जशीट, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और चार अहदेदारान के खिलाफ हुई है ये चार्जशीट दाखिल, जिसमें आपको बता दें कि सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर के खिलाफ चार्जशीट के जो जांच है उसके दौरान सभी के खिलाफ पुख्ता सबूत का दावा किया गया है। और हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक, तो चार्जशीट दायर की गई है ये चार अहदेदारान के खिलाफ यहां पर, और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर मिल रही है? बड़ी खबर यह है कि यूपी एसटीएफ ने हालांकि कहते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट के मामले में अब तक चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की है। इन चारों लोग हालांकि हलाल सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं हबीब यूसुफ, उजला के उपाध्यक्ष हैं, और दो और हैं खिलाफ ये दर्ज की गई है। बता दें आपको कि एक साल पहले हालांकि यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के थाना हजरतगंज में एक एफआईआर दर्ज की थी। इसमें कहते हैं कि तमाम तरह के आरोप लगे थे कि जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं लोगों को, में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हालांकि वेजिटेरियन थे, हालांकि कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट थे और कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिस पे हलाल सर्टिफिकेट जो नहीं पड़ती थी। ऐसे में जो हलाल सर्टिफिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के जो लोग थे उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए थे उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर और जो कहते हैं वेजिटेरियन प्रोडक्ट नाम पर उस पर भी सर्टिफिकेट लगा दिया गया। तो ये आरोप लगाया गया था कि विदेश समुदाय के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, ऐसे प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, जिसको लेकर लखनऊ के थाना हजरतगंज में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। पूरे मामले की जांच चली थी। जांच के बाद हालांकि पूरी जो कहते हैं कि जांच है वो एसटीएफ को दी गई थी। एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। उसमें ये भी बड़ा आरोप लगाया था कि जो हलाल सर्टिफिकेट के मामले में जो फंडिंग होती है वो विदेशों से होती है, जो अकाउंट है वो खंगाले गए थे। तो एसटीएफ ने हालांकि एक साथ पूरे मामले की जांच की, बता रहे कि पुख्ता सबूत मिलने के साथ साथ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि चार्जशीट दाखिल की गई है, उनको हालांकि कोर्ट में जाके हालांकि जो बयान होंगे, हालांकि उसके बाद मामले में ये माना जा रहा है कि सजा हो सकती है। तो बड़ी खबर ये है कि आप जो हलाल सर्टिफिकेट के उपाध्यक्ष हैं और तमाम तरह के जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ बड़ी सामना करना पड़ता है कि आप उनकी सजा भी होती है। यूपीएसटीएफ लगातार जांच भी कर रही है और खिलाफ चार्ज दाखिल कर दिएगी। जी बिल्कुल, तो जिन लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई है कितनी दिक्कतें ऐसे में उनकी बढ़ सकती हैं और आगे किस तरीके से ये कार्रवाई की जाएगी? हालांकि एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही थी और महाराष्ट्र से तार जुड़े हुए थे। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की हलाल सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया से लोग जुड़े हुए थे, इसी के उपाध्यक्ष अध्यक्ष कंपनी को चला रहे थे जो प्रोडक्ट बनाते थे। सबसे बड़ा जो आरोप लगाया गया था, इसमें लगाया गया था कि जिन प्रोडक्ट पे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे में आप लोगों को गुमराह कर रहे थे और इसी को लेकर हालांकि पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उनके खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई। दिक्कतें इतनी पड़ सकती है कि अगर पूरे मामले में कोर्ट सुनवाई होती है तो कम से कम 7 से 10 साल की सजा इन लोगों को हो सकती है। ऐसे में हालांकि दिक्कतें बढ़ गई हैं अभी मामले को लेकर कोर्ट में, इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो ये कह सकते हैं कि चार लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दी थी इसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी। लगभग पिछले 12 फरवरी को चार लोगों को अरेस्ट किया गया था महाराष्ट्र से, वो लोग जेल में बंद है। इसी को लेकर एसटीएफ पूरे मामले की जांच करती है। यूपी सरकार लगातार इस मामले को अहम योद्धा दे रही थी, इसलिए पूरे मामले को जांच एसटीएफ को दी गई थी और ताबड़तोड़ मामले में एक साल के अंदर चार्जशीट लगा दी गई। हालांकि देखने वाली बात यह है, कभी कभी किसी मिलता है कि चार्जशीट इतनी जल्दी लगाई जाती है, मगर हलाल सर्टिफिकेट को मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर हुआ था। विपक्ष ने कहा था कि चुनाव आने से पहले हालांकि बीजेपी सरकार इस तरह के मामले को लेकर आती है, तमाम तरह की हालांकि बयानबाजी हुई थी। अब जो बड़ी खबर मिल रही है कि चार्जशीट दाखिल हो गई है, मगर जांच अभी जारी कई आज। जी बिल्कुल, अभी की जांच में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है ये देखना है होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अतीक सारी जानकारी के लिए।